Hi, this is me, Amrita Rao. I'm Nawazuddin Siddiqui. You watch. पहले आप कास्ट हुए थे पहले आप अच्छा ठीक है व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई वाज प्लेइंग मीना ताई'स रोल इट वाज मोर लाइक ओके थैंक यू सो मच बिकॉज इट वाज मोर लाइक अ कॉम्प्लीमेंट पेड टू मी इट वाज एन ऑनर एक्चुअली व्हेन द मेकर्स टोल्ड मी दैट मीना ताई हैड अ वेरी प्योर एंड अ पायस इमेज एंड बिकॉज ऑफ आई मीन यू हैव द सेम पर्सोना इन द माइंड्स ऑफ द ऑडियंस बिकॉज ऑफ द रोल्स दैट यू हैव प्लेड And hence, only you and nobody else for Meena Tai. So I really thought that was an overwhelming compliment, and that's why my reaction was like, okay, fine. मुझे जब मिला तो मुझे खुशी के साथ nervousness भी हुई थी क्योंकि बहुत difficult character था कैसे करेंगे क्या कैसे होगा एक तो वो था और एक दूसरी और खुशी हुई थी मुझे जब पता चला कि आप मीना ताई का रोल कर रही हैं How sweet. तो मुझे इनके सारे जितनी फिल्मों के गाने थे ना खट 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 के सारे एकदम मेरे दिमाग में आ गए थे Thank you. प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं एक्चुअली पहले तो ऑफ कोर्स जो उनके जितने भी इंटरनेट पे बाड़ा साहब की स्पीचेस थी इंटरव्यूज थे वो सारे देखे उसके बाद कि वो पर्सनली जो जिसके वीडियोस या इस तरह की चीज़ें नहीं मिल सकती कि वो पर्सनली किस तरीके के इंसान थे वो उनका सबसे कोई ख़ास इंसान ही बता सकता था उसके लिए मैं घर पे भी गया बाड़ा साहब के रूम में भी बैठा काफ़ी टाइम तक और एक फीलिंग के लेवल पे और जो इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी थी वो राव साहब ने बहुत इन्फॉर्मेशन दी अबाउट बाड़ा साहब के वो पर्सनल स्पेस में प्राइवेटली कैसे रहते थे क्या थाट थे उनके किस तरीके से सोचते थे वो उस पे काम किया गया और बायोपिक पे मोस्टली उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो पब्लिक इमेज होती है वो तो ठीक है बट उसके अलावा जो पर्सनली प्राइवेटली जो बिहेवियर होता है उनका उस पे ज़्यादा फोकस किया हम लोगों ने एक कोशिश की है तो इस तरह की प्रिपरेशन रहती थी जब भी कोई चैलेंजिंग किसी भी एक्टर के साथ जब भी कोई चैलेंजिंग रोल मिलता है उसको खुशी बहुत होती है एक्चुअली क्योंकि उसमें उसको लगता है कि मुझे मज़ा उन्हीं फिल्मों में आता है जिसमें फिल्म ख़त्म होने के बाद लगे कि हाँ वाकई कुछ किया है यू नो तो जितना भी चैलेंजिंग होगा उतना ही खुशी होती है जिन लोगों ने ट्रेलर देखा उनको ये भी एट द सेम टाइम उनको गूज़बम्प्स भी होते हैं कि इतना खूबसूरत ट्रेलर बनाया है एज पर इस कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें आप बोल रही हैं वो तो हज़ारों लोगों की अपनी अपनी राय होती हैं क्या सही है क्या गलत है उस पर हर एक आदमी की अपनी ओपिनियन होती है वो होनी भी चाहिए वो कर रहे हैं लोग तो बट हमें मालूम है कि हमने एक फिल्म बनाई है और जो जिसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है बहुत सारे रिसर्च वर्क है फिल्म को रिलीज़ होने के बाद आप डिसाइड करें अगर क्या क्या सही है क्या गलत है अभी तो ट्रेलर आया है वो दो मिनट में आप किसी ओपिनियन पे पहुंच रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादती लगती है मुझे और फिल्म फिल्म की तरह देखनी चाहिए थोड़ा सा अपने दिमागों को ना थोड़ा खोलना चाहिए जैसे वेस्ट में बायोपिक बनती हैं जो जिंदा होते हैं उनके ऊपर भी जो जा चुके होते हैं उनके ऊपर भी बायोपिक भी इतना हाय हुल्ला नहीं मचता क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म को फिल्म के तरीके से लेनी चाहिए मुझे बाड़ा साहब की जो सबसे ख़ास बात पसंद थी वो ये थी कि उनके अंदर बिल्कुल भी हिपोक्रेसी नहीं थी जो वो सामने थे वही अंदर थे वो What I like about Meena Tai really is that selfless space that she so gracefully took upon her, you know, and that's a space which almost every woman in India or perhaps in the world, whoever is a mom, a wife, a responsible sister, they take this space so gracefully and it's a very thankless space to be in. You know, nobody is like patting your back or you're not seeing yourself center stage in the newspapers. It is just knowing that, okay, if I take this responsibility, then the other person will do his work or his responsibilities with more comfort and easily. So, I mean, I can relate my mom doing that for me. You know, when I started so young, she was managing the household operations and physically being with me everywhere.
so gracefully with no complaint, and it's a very thankless pace. So I really admire, and I'm very fortunate that I could bring out a character in that space in front of the audience through Meenathai Thackeray. It's wonderful. I think the audience will get a variety. Both of the films are of people who are very strong and valiant and who fought for what they believed in, their conviction. So I think let the brave win. The message we want to give is ki biopics are not easy to make, you know, and especially on a personality like Balasaheb Thackeray, who has had such a varied graph in his life. It's not easy to encapsulate that in just 2.5 hours and, you know, present it. We've tried our best to bring the essence of the man out for the audience. And we really hope that, you know, we've worked very hard. We really hope that on 25th of Jan, people go and remember Balasaheb Thackeray.